हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया हुआ था, हमने डिस्कशन किया हुआ था अध्याय 5 के पार्ट नंबर 2 के बारे में, जहां पर मैं आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में 2 प्रश्न समझा चुका हूं। आज किस क्लास में वापस हम 2 प्रश्न करने वाले हैं, भाग 3 में भी हम 2 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 6 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की इस क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो क्या है, अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात। और ये इस अध्याय का लास्ट पार्ट होने वाला है, भाग 3 होने वाला है, जहां पर मैं 6 अंकों के लिए तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, तो हम बात करेंगे PYQs पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और हम क्विक रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये मोटो होने वाला है, आज का हमारा उद्देश्य होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 स्टार लगा कर रखना इसको, 7 स्टार, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, 7 स्टार ये, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा, देखो तो बोला क्या है, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, यानी कि 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध भी है और पानी भी है। ठीक है सर, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। जिसमें से 10% क्या है, पानी है। 10% क्या बच्चों, पानी है। 100% में जो कि 10% पानी है और 90% क्या है, दूध है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। अभी पुराने वाले मिश्रण में 10% पानी है और बोल दिया गया है कि और कितना दूध मिला देंगे कि पानी की जो मात्रा है वो 5% हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, 5% हो जाए। तो हमें मिलाए गए दूध की मात्रा को ज्ञात करना है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 6 नंबर के लिए पूछता है ऐसे क्वेश्चन, 6 नंबर के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकालूंगा। 100 लीटर का मिश्रण है, देखो तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले पानी की मात्रा निकालेंगे। तो यहां पर यह हो जाएगा पानी की मात्रा, ठीक है, पानी की मात्रा, उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। तो प्रश्न में क्या बोला था कि 100 लीटर के मिश्रण में 10% क्या है, पानी है। तो 100 लीटर का 10% हम निकाल लेंगे, 100 लीटर का 10% हम निकाल लेंगे। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है कैसे? बिल्कुल क्लियर है। तो 100 लीटर का हम 10% कैसे निकालेंगे, 100 को मैंने लिखा का मतलब होता है गुणा, 10 को मैंने 10 लिखा, परसेंट को हम लिखते हैं नीचे में, ये हो गया बटे में 100। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है सर? बिल्कुल। ये 100 से ये 100 निपट गया तो हमें क्या मिला, 10। क्या मिला बच्चों, 10 लीटर मिल चुका है, यानी कि उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, 10 लीटर है। पूरा जो मिश्रण है वो 100 लीटर का था, उसमें से 10 लीटर पानी है, तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, 100 में 10 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 90। तो आप लोग बोलोगे सर उस मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, 90 लीटर है। बिल्कुल, इसको भी लिख लेंगे, दूध की मात्रा बराबर ये क्या हो जाएगा, 90 लीटर है। क्या बच्चों, 90 लीटर है। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, चलो, अभी तक हमने क्या किया है, 100 लीटर का हमें मिश्रण दिया था, उसमें हमने पानी की मात्रा को अलग से पता कर लिया जो कि 10 लीटर है, और दूध की मात्रा को अलग से पता कर लिया जो कि 90 लीटर है। बिल्कुल, अब यहां पर यह बोला गया है उस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, मतलब कि उस पुराने वाले मिश्रण में हमें दूध मिलाना है कि उसमें नए बने मिश्रण में 5% बस पानी रह जाए। लेकिन पानी की मात्रा को चेंज नहीं करेंगे, पानी की मात्रा 10 लीटर यहां पर भी रहेगा, 10 लीटर वहां पर भी रहेगा, इसका परसेंट बस चेंज हो जाएगा, परसेंट के क्या कर देना है, कम कर देना है। तो हमें क्या मिलाना है, यहां पर हमें मिलाना है शुद्ध दूध, तो हम जो मिलाने वाले हैं उसी को मान लेंगे। ठीक है, माना मिश्रण में 100 लीटर दूध मिलाया जाता है, 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है। अब हमें 100 का ही मान ज्ञात करना, ठीक है, माना मिश्रण में 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है, मिलाया
जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी अच्छे से हमें क्लियर है। तो देखिए, जब हम पुराने मिश्रण में 1 लीटर दूध मिला देंगे तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? भैया पुराने मिश्रण में क्या है, 90 लीटर है, इसमें हम 1 लीटर और दूध मिलाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। भाई मान लो आपके पास 90 रुपए है, आपके पास क्या है 90 रुपए है, मैंने आपको 10 रुपया और दे दिया तो आप इसमें क्या करोगे, धन 10 जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 रुपया हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार से अभी हमारे पुराने वाले मिश्रण में 90 लीटर दूध है और हमने 1 लीटर दूध और मिला दिया है, 1 लीटर दूध और मिला दिया है तो नए बने मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, 90 धन 1 लीटर हो जाएगी। अब इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे, कैसे लिखें देखो, अतः नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो पुराने वाले मिश्रण में हम नए वाले दूध की मात्रा को जोड़ देंगे तो पुराने वाले दूध में दूध कितना था, 90 लीटर था, इसमें हम 1 लीटर और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 धन 1 लीटर। क्या मिल गया, नए वाले मिश्रण में दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, 90 धन 1 लीटर हो जाएगी। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, कैसे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखो नए मिश्रण में जो है ना पानी की मात्रा को चेंज नहीं करना है तो नए मिश्रण में भी पानी की मात्रा वही होने वाली है। तो इस बात को भी मैं एक बार लिख देना चाहूंगा, नए मिश्रण में पानी की मात्रा, देखिए पानी की मात्रा को हम चेंज नहीं करेंगे बच्चों, वो 10 लीटर था तो 10 लीटर ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि परसेंट बस से कम करना है, परसेंट से इसको कम करना है। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी क्लियर क्या, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 90 धन 1 लीटर और पानी की मात्रा क्या अभी भी 10 लीटर है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है बिल्कुल। अब देखो वापस चलते हैं अपने प्रश्न में और हमें बोला क्या गया था कि शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो, 5% पानी हो। भाई जब 5% पानी है, 5% पानी है तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी परसेंट में, 95% हो जाएगा ना, क्योंकि हम 100% से लेते हैं, 5% बोल दिया गया पानी को तो दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, 95% हो जाएगी। तो इस बात को फिर से हम यहां पर लिखना चाहेंगे, नए मिश्रण में दूध 95% तथा पानी 5% है, ठीक है, 5% है, ये हो जाएगा। अतः दूध और पानी का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे, अतः दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, चलो दूध व पानी का हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखो परसेंट में ज्ञात करने में बराबर, देखो यहां पर ये 95% था, अनुपात निकाल रहे हैं तो मैंने यहां पर अनुपात का चिन्ह लगा दिया, दो बिंदु लगा दिया, मतलब कि अनुपात का चिन्ह लग चुका। ठीक है, फिर यहां पर क्या था, 5% था और आपको अच्छे से पता है कि यहां पर अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो ये हो गया 95% बटे में क्या आ जाएगा, 5% आ चुका है अनुपात। देखो यहां पर ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है, खैर इसको काटना नहीं देता है, इसको दिमाग से काट देना। ठीक है, चलो ये परसेंट से परसेंट कट चुका, देखो फिर यह हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 19 बार में कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 19:1 मिल जाएगा, बटे का मतलब क्या हो गया, अनुपात लिख सकते हैं, तो 19:1 हमें मिल चुका है। ये किसमें आया, अनुपात में आया। देखो यहां से हमें क्या पता चला, जो हमने अनुपात में निकाला हुआ है और जो हमें यहां पर लीटर में मिला था, मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, लीटर और अनुपात दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। अतः हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो अतः मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने जो लीटर में निकाला था दूध और पानी की मात्रा और हमने जो अनुपात में निकाला था 19:1, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, 90 धन 1 है, फिर अनुपात लगाएंगे। ठीक है, उस नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, तो पानी की मात्रा क्या है, 10 लीटर है। ठीक, बराबर, मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों बराबर होंगे तो यहां पर हमें क्या मिला है, 19:1 मिला है, क्या मिला है, 19:1 मिला है। अब इसको सॉल्व करना है और हमें x का मान ज्ञात करना, बिल्कुल सर ज्ञात कर देंगे। देखो
चलिए तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90:1 का मतलब आपको अच्छे से पता की होता है बटा बराबर आ जाएगा ये 19:1 हो जाएगा, अनुपात को हमने बदल दिया बटे में। अब क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे 90:1 से, तो 90:1 से ही मिलने वाले, आ जाओ बाकी की कहानी इधर देखते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 90:1 मिल चुका, चलो 90:1 बराबर। फिर क्या करेंगे, 10 का गुणा करूंगा मैं 19 से, तो ये हो जाएगा 190, क्या मिल चुका 190 मिल चुका, बिल्कुल सर। हमें निकालना है 100 का मान, देखो 100 का मान कैसे निकालेंगे, तो 100 बराबर यहां पर मैंने 190 को एज इट इज लिखा, फिर ये 90 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा -90, अतः हमें 100 बराबर क्या मिला है, 190 में जब हम 90 को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 100, क्या मिल जाएगा बच्चों 100 मिल जाएगा। और 100 को हमने क्या माना हुआ था, तो 100 को हमने यहां पर देखो नए मिश्रण में 100 लीटर दूध मिलाया जाता है, माना नए मिश्रण में 100 लीटर दूध मिलाया जाता है, और 100 का मान क्या आया है 100 आया है, अतः हमें 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा ताकि पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो लास्ट टाइम बिल्कुल अपने आंसर को लिखने आ जाओ, देखो अतः मिश्रण में, अतः मिश्रण में 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए तो करके लिखते हैं, तो 5% तो पानी की मात्रा वह 5% रह जाएगी, पानी की मात्रा 5% रह जाएगी, ठीक है जाएगी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसी प्रकार का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको 100 की जगह 300 लीटर दिया जा सकता है, यहां पर 10% पानी की जगह आपको सपोज कि आपको 15% दे देगा, यहां पर ये बोल देगा कि केवल 5% पानी की जगह आपको यहां पर बोल देगा कि इसमें 10% पानी हो जाए, बस डेटा चेंज कर दिए जाएंगे क्वेश्चन वही रहेगा, डेटा चेंज कर दिए जाएंगे क्वेश्चन वही रहेगा, सॉल्यूशन करने का तरीका भी वही रहेगा, हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको निकालने का तरीका बिल्कुल एज इट इज होने वाला है, जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार से आपको भी अपने फेयर कॉपी में लिखना है, आंसर शीट में भी इसी तरीके से लिखना, पूरा 6 में से 6 अंक मिलने वाला है, 7 स्टार देना, 7 स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं बहुत ज्यादा। चलिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया, चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारे इस अध्याय का, इस यूनिट का सब तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये पूछा कब गया, देख लो पूछा कब गया है 2018 सेट एबीसी, तीनों सेट में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके सिलेबस में 3 क्वेश्चन मिलते हैं, कितने 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तीनों प्रश्नों को बनाने का एक ही फॉर्मेट होता है, मैं तीनों क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन को हम अच्छे से कर लेंगे सीख लेंगे, बाकी के दोनों क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो 3 प्रश्न है इससे संबंधित, सेम टू सेम है, आपका हल करने का बस तरीका वही रहेगा, बस सिद्ध जो करना है ना वो अलग दे दिया जाएगा, लेकिन पहली लाइन पूरा का पूरा वही रहेगा, जो हल करना है उसी तरह से मैं आपको दोनों क्वेश्चन को भी आपको हल करना रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम तीनों प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन को हल करने वाले, देखो तो यहां पर हो गया ये हल, देखो क्या बोला गया था यहां पर, क्या बोला है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, ये हमें प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सर यहां पर हम प्रूफ कर देंगे। देखो तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 6 में से 6 अंक हमें लेना है, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, दिया है सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा दिया है, तो हमें यहां पर क्या दिया, पहली लाइन में ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हमें यहां पर दिया गया, बिल्कुल सर यहां पर हमें ये दिया गया, ठीक है। चलिए अब हमें यहां पर क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है ना उसको हम यहां पर एक लाइन जमा कर लिख लेंगे, देखो तो सिद्ध करना है, चलिए बताइए क्या हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है उसको मैं लिख देना चाहूंगा, हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर के बाद क्या है, ये है ए सी अपॉन में ये है बी डी, चलो एच एस बराबर हमें आर एच एस प्रूफ करके दिखाना है, बिल्कुल सर कर देंगे। देखो तो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो
तो जो आपको दिया गया है ना उसको आप देखो। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, एक लाइन लिखने वाला हूं, इस लाइन को अच्छे से समझना। देखो तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, मैंने लिख लिया, इसी को मैंने वापस से उतार लिया। बराबर के बाद मैं क्या कर रहा हूं, के माना, मैंने क्या किया है के को मान लिया है, क्या किया बराबर के बाद मैंने के मान लिया है। अब यहां से हमें फायदा क्या मिलेगा, देखो यहां से हमें फायदा क्या मिलेगा, अनुपात का मतलब आपको पता है कि बटा होता है तो ए बटा बी हो चुका, बराबर है तो बराबर, अनुपात का मतलब यहां पर भी बटा हो जाएगा तो सी अपॉन में हो जाएगा डी बराबर ये हो जाएगा के, बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, बिल्कुल सर हो गया। अब जो तो के है ना वो ए बटा बी और ये सी बटा डी दोनों का है, तो अब की लाइन में हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बटा बी बराबर के व सी बटा डी बराबर ये हो जाएगा के। यहां से फायदा क्या मिलेगा, हमें ए का मान मिल जाएगा और यहां से हमें सी का मान मिल जाएगा। देखो कैसे, चलिए आइए देखो, तो अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो त्रिज्या गुणा करेंगे के, के नीचे में कुछ नहीं मतलब कि एक रहता है, एक का गुणा करेंगे एक साथ तो हमें ए ही मिलेगा, ए बराबर देखो बी का गुणा मैं करूंगा के साथ तो हमें क्या मिलेगा बी के, क्या मिल चुका बी के मिल चुका। उसी तरह से देखो यहां पर के नीचे में कुछ नहीं मतलब कि एक है, एक का गुणा करेंगे सी के साथ तो ये सी ही मिलेगा, ऑब्वियसली सी ही मिलेगा बराबर। फिर डी का गुणा करूंगा मैं कैसे तो हमें मिल चुका डी के, लेकिन सर मुद्दा ये है कि हम ए और सी के मान का करेंगे क्या, नहीं इसकी जरूरत क्या है, लेकिन टेंशन नहीं मैं हूं ना, मैं बताता हूं ए और सी का मान हमें मिल चुका, अब ए और सी का मान को हम करेंगे क्या, तो जो हमें सिद्ध करना है ना उसको अपनी नजर दौड़ाइए, उस पर अपनी नजर को दौड़ाइए। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा ए और सी, यहां पर देखिए यहां पर भी ए सी है ठीक है, और हमें ए और सी का मान मालूम है, तो हम क्या करेंगे जो सिद्ध करना है उसके एलएचएस को पहले लेकर सॉल्व करेंगे, फिर एक बार हम आरएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे, दोनों में एक ही उत्तर आने वाला है, तो इस तरह से दोनों पक्ष जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर एलएचएस को लेकर सॉल्व करूंगा, देखो अतः एलएचएस बराबर, देखो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर, एलएचएस को मैं एक बार और उतारना चाहूंगा जो कि क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो चुका बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बिल्कुल सर ए की वैल्यू हमें पता है कि क्या है सर बी के है, बी के पूरे के घात में लगा देना है दो, प्लस सी, सी का मान भी हमें पता है हमने निकाल दिया होगा डी की, डी के निकाल लिया पूरे के घात में मैंने लगा दिया दो, बटे में देखो यहां पर क्या है बी स्क्वायर है और ये प्लस का डी स्क्वायर लिखा चुका सर, बिल्कुल लिखा चुका ठीक है। चलो इस बोर्ड को पहले तो मैं दो भाग में बांट देता हूं क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन इसी जगह सॉल्व कर दूंगा। चलो आ जाओ देखो, हाँ देखो बराबर, अब जो घात में दो है वो बी का भी है और के का भी है, अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा बी की घात दो के की घात दो प्लस है तो प्लस, फिर ये हो जाएगा डी की घात दो, फिर ये हो जाएगा के की घात दो, अलग अलग कर दिया, नीचे का कोई चेंज नहीं एज इट इज, तो बी स्क्वायर प्लस ये हो चुका डी स्क्वायर। देखो यहां पर मुझे के स्क्वायर दिख गया, यहां पर भी मुझे के स्क्वायर दिख गया, मैं क्या करने वाला हूं के स्क्वायर को मैं निकाल लिया कॉमन, के स्क्वायर को हमने निकाल लिया कॉमन ठीक है, तो के स्क्वायर को कॉमन निकालने तो अभी भी क्या बचा हुआ बी स्क्वायर, तो यहां पर मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब यहां का के स्क्वायर को भी हमने निकाल लिया था कॉमन, तो यहां पर क्या बचा है डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को छाप दो, छाप दिया, नीचे में क्या मिलेगा तो नीचे में कोई चेंज नहीं, नीचे को कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो यहां का बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहां का बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों निपट चुका, तो हमें यहां पर मिला क्या, हमें मिला के स्क्वायर, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें क्या मिल चुका है के स्क्वायर मिल चुका है। अब एक बार हम आरएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे, आ जाओ बिल्कुल, तथा आरएचएस बराबर, तथा RHS राइट हैंड साइड बराबर, RHS में क्या दिया है, ये दिया AC अपॉन BD, AC अपॉन हमें दिया गया BD, बिल्कुल सर A, A का मान हमें मालूम है कि सर क्या है BK है, मैं यहां पर BK चिपका दिया, इनटू है तो इनटू, फिर C, C का मान भी हमें मालूम है क्या है DK, DK यहां पर मैंने रख दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा ये B और ये D आ चुका, बिल्कुल सर ये भी इस बी को निपटा दिया और ये डी इस डी को निपटा दिया, तो हमें क्या मिला के इंटू के, ये हो जाएगा के स्क्वायर, दो के कोई नहीं बोलेगा, जब भी गुणा करते हैं तो हम घात को जोड़ते हैं ठीक है, तो ये हो गया के स्क्वायर, राइट हैंड साइड बराबर हमें क्या मिला हुआ है के स्क्वायर मिला है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिला हुआ था के स्क्वायर मिला था, यानी कि दोनों पक्ष क्या है बराबर है, दोनों पक्ष क्या है बच्चों बराबर है, अतः
LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड है, दोनों पक्ष क्या है बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, बस कुछ भी नहीं करना, कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, यही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और ये क्वेश्चन जो है 2018 सेट ABC में पूछा गया था। इसी प्रकार के दो क्वेश्चन और आपके सिलेबस में, उसको आप बिल्कुल पढ़ लेना है, या फिर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको पता नहीं चलेगा कि सर ने कौन सा क्वेश्चन कराया था, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, बस आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना है, तीनों क्वेश्चन आपको इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने प्रश्न क्रमांक 4 को भी सॉल्व कर लिया, दोनों पक्षों को हमने बराबर कर लिया, हल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्लास को, इस अध्याय को खत्म कर लिया। हमारा अध्याय 5 होता है खत्म, और हमारा यूनिट नंबर जो एक पढ़ रहे थे ना, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर एक से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हमने अभी तक 20 नंबर के लिए तैयारी कर लिया, 20 में 20 नंबर आपको मिलना चाहिए, 20 नंबर की हम तैयारी कर चुके। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करने वाला हूं, सेकेंड यूनिट पर बात करने वाले हैं हम, अपने इकाई नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल, जो हमारा यूनिट नंबर 2 क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें 2 चैप्टर है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा मैं, पूरे में पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट नंबर 1 का सफर था वो आज जाकर खत्म होता है, हमने 20 नंबर के लिए तैयारी कर ली है। अगर किसी बच्चों को लगता कि सर हमें एकदम बेसिक से पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उन बच्चों को बार बार बोलता हूं, बच्चों की आप हमारे एप्लीकेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें दी जाती है, वीडियो दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, नोट्स है, क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्विज क्वेश्चन रहेंगे, व्याख्यात्मक प्रश्न रहेंगे, बहुत से हमारे फायदे हैं, आप एप्लीकेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट करना है, लाइक करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।